इस भारती ने तोड़िया क्रिस गेल का रिकॉर्ड। 27 गेंदा च ही कीता अपना शतक पूरा। T20 क्रिकेट च बनाया सब तो तेज शतक। 144 दौड़ां दी पारी दौरान उड़ाए 18 छक्के। आखिर कैसी जर्नी है, किस तरह वो एस्टोनिया पहुंचे और किस तरह से रिकॉर्ड बना, तमाम आज जानकारी देंगे। हमारे साथ उनके भाई हैं शकील चौहान, और हम इस समय एक स्पोर्ट्स की दुकान पे, क्योंकि जहां पर जो साहिल है वो बैट यूज करते हैं, वो इसी शॉप के, और वो अपने भाई का बैट लेने भी आए थे, हमने उनको पकड़ लिया। शकील जी, आप आज बैट जहां लेने आते हैं वहां पे आए थे, हमने आपको आज पकड़ लिया है। सबसे पहले बताइए कि एकदम से रिकॉर्ड आता है कि एक इंडियन साहिल चौहान एस्टोनिया की तरफ से खेलते हुए सबसे तेज शतक T20 का, कैसी लगी ये न्यूज? पहले तो बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो गया, बट वो बहुत टाइम से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छी हिटों के लिए माने जाते हैं, तो उनकी जर्नी जब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट था बिलीव करना, और ऐसे प्लेयरों के साथ नाम आना, क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटना, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो गया है। जर्नी कैसी रही, क्योंकि जितना हमने देखा है कि वो टेनिस बॉल के काफी अच्छे हीटर थे, पंचकूला चंडीगढ़ उनकी जर्नी रही ऐसी, ट्राई सिटी के आसपास, कब वो एस्टोनिया गए, कैसे वहां पे टीम में आए? वो क्रिकेट के शुरू से शौकीन थे, पहले स्कूल टाइम से वो बहुत अच्छा खेलते थे, तो पंचकूला में पिंजौर से शुरू होके हम पंचकूला आते थे, तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत वाज़न्ट दैट इजी, मगर अब जाके जब उनकी स्कूल के बाद जब एस्टोनिया गए, तो पहले उन्होंने कौन से सन में गए थे एस्टोनिया? एस्टोनिया गए थे वो 2015। अच्छा, कोई खास रीजन? तो जी, उनका यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने एमबीए किया था, तो स्कूलिंग के बाद कॉलेज के बाद यहाँ पे उनका काम नहीं जम रहा था, तो वो अपने हमारे चाचा हैं एस्टोनिया में, तो उनका द मॉन्क के नाम से रेस्टोरेंट चेन है, तो वो वहाँ चले गए उनको सपोर्ट करने। तो उन्होंने जब वहाँ पे काम करते हुए अपने आप को बहुत अकेला पाया, तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में सर्च किया कि एस्टोनिया में क्रिकेट है, तो वो उनसे बहुत दूर था, तो जैसे वो एक आइलैंड में काम करते थे, रेस्टोरेंट था सारेमा में, तो 4 घंटे की ड्राइव होती थी, मगर वो हर सैटरडे संडे मैच खेलने जाते थे 4 घंटे की ड्राइव करके सुबह, और सैटरडे सुबह चलते थे 4 बजे और 8-9 बजे का मैच होता था, तो वो वहाँ पहुँचते थे, तो वो अपने इस तरह उन्होंने सर्च करके वहाँ पे कोई क्लब ज्वाइन किया और मैच खेले, तो उनकी एक इनिंग वहाँ पे उन्होंने क्लब मैच में 100 किया, तो इंटरनेशनल से मैचेस के लिए उनके सिलेक्शन आ गई एस्टोनिया की टीम में। उन्होंने क्राइटेरिया फिल किया, उनके क्राइटेरियाज हैं कि 4 ईयर्स आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंट पे वहाँ रहना पड़ता है, तो वो क्राइटेरियाज कम्प्लीट करने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल टीम में आए 2019 में। जी, 2019 में इंटरनेशनल टीम में, उनका ये सेकेंड इंटरनेशनल टूर है जो आउट ऑफ एस्टोनिया वो गए हैं, और आफ्टर दैट उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। क्लब लेवल पे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के कारण, और वो ट्रेनिंग में इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, पर ये सीजन उनका क्लब लेवल पे भी बहुत अच्छा गया। उन्होंने रिसेंटली अगर आप चेक करोगे क्लब लेवल पे 6 बॉल पे 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड उन्होंने अभी किया था 2-3 हफ्ते पहले, तो फिर मैं फॉर्चुनेटली उसके साथ था क्लब लेवल में, एस्टोनिया में ही मैं खुद भी शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं सर के पास आया था कि उनके बैट नॉक करवाने हैं और चेंज करवाने, रिपेयर करवाने। मैं आगे बढ़ूंगा, पहले तो इनसे हालांकि गूगल सर्च करोगे एस्टोनिया, यूरोप कंट्री है एस्टोनिया, लेकिन है कहाँ पे, क्योंकि इससे पहले आप ही बता दे क्योंकि कहाँ से है, एक नया शब्द आता था ना एस्टोनिया। हाँ, एस्टोनिया जब मुझसे भी जब मैं स्टूडेंट था तो पता चला कि चाचा वहाँ गए हैं, तो इट वॉज न्यू टू मी एज वेल, मगर जब एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है, तो बाल्टिक कंट्री में लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया आते हैं, और इट इज अ नेबरिंग कंट्री टू फिनलैंड, फिनलैंड के साथ आता है, 2 घंटे की ड्राइव है फिनलैंड से एस्टोनिया की, और आधे घंटे की फ्लाइट है, तो 1.3 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, और छोटी सी पॉपुलेशन है, छोटी सी कंट्री है, और क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड आईटी में, पर पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप नॉच कंट्री मानी जाती है, फास्टेस्ट इंटरनेट। और ये मैं बता दूं कि ये जो मैचेस हैं ये आईसीसी के ही अंडर हैं, क्योंकि एस्टोनिया और साइप्रस, क्योंकि आईसीसी प्रमोट कर रहा है क्रिकेट को, जिस तरह से अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ पहली बार, तो उसी तरह से ये जो है वो आईसीसी का ही एक टूर्नामेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि खाई क्लब लेवल है या आपस में कोई प्राइवेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में इतना बड़ा रिकॉर्ड।
हाँ, ये बहुत बड़ा, ये करेक्शन बहुत से लोग बिलीव नहीं कर पाते और नहीं पाते कि ये शायद क्लब का मैच है। नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल का मैच है और इंटरनेशनल लेवल की बाउंड्रीज है, और जिस मैच में उसने ये स्कोर किया है तो वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरिंग मैच था। तो उससे पहले जो वहां पे स्कोर बन रहे थे वो 140 150 के 20 ओवर्स में बन रहे थे। आपकी बात हुई जब स्कोर किया, बात हुई होगी फैमिली में वीडियो कॉल? उससे पहले, जैसे वो मेरे से बहुत कनेक्टेड है, हम दोनों भाई हैं तो दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं, तो वो मुझसे रेगुलर वी टॉक, मैंने उससे बात की। इससे पहले मैच में T10 में उसने 100 किया और इस मैच में, ये सेकंड मैच था टूर का, तो उसका 0 था। तो मैंने उसको कहा, यार पहली बॉल तो रोक लिया कर, नॉक इट अराउंड की पहली बॉल पे ही मारने लग जाते हो। तो अब इस मैच में भी उसने ऐसा किया, इस पे लग गया, तो उसकी पहली 3 बॉलों में 16 रन थे। अच्छा। तो उस इंटर मैच के बाद कहता, देखा जो मेरी गेम है मैं फॉलो करता हूँ इंस्टिंक्ट्स, और इट हैपेंड। फैमिली का क्या रिएक्शन था, कौन कौन है फैमिली में? हमारी मदर हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे फादर नहीं हैं, जिसके बाद ये सारी जर्नी ने शेप लिया, जो हम सीरियस हुए लाइफ के बारे में फादर की डेथ के बाद। बट उनके वाइफ हैं, वो एस्टोनिया में अब उनके साथ ही हैं, साइप्रस में, उनका बेटा है। तो फैमिली को, मदर को तो अभी तक बिलीव ही नहीं करते वो कि कुछ ऐसा हो गया है। तो हम पिंजौर के पास एक मानकपुर विलेज है, मानकपुर देवीलाल, वहां से बिलोंग करते हैं। वैसे क्या बेसिकली? वैसे मैं पहले IT कंपनी में काम करता था, मैं सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो चंडीगढ़ के स्कूल्स में काफ़ी, में सेक्रेड हार्ट, स्ट्रॉबेरीज, सेंट जॉन्स, इन सब के सॉफ्टवेयर्स हमने, मैंने सेट किए हैं। और रिसेंटली उसके बाद IT प्रोफेशनल, मैं IT प्रोफेशनल हूँ। मैंने सेक्रेड हार्ट में 4 साल एज IT प्रोफेशनल काम किया है। और जनवरी में मैं एस्टोनिया शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो आप एस्टोनिया रहते हैं जी? तो एक चीज ये है कि जब ये रिकॉर्ड बना, क्रिकेटर्स में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड्स पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं, एकदम से आया, तो इतनी लंबी जर्नी के बाद फाइनली अब लगा साहिल को भी, आप लोगों की, कि हाँ जो एक ड्रीम होता है क्रिकेटर का कि एकदम लाइमलाइट में आना, और वो भी ICC के टूर्नामेंट में, वो फाइनली कहीं ना कहीं अचीव हुआ। आई थिंक ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स। और वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, और मैं, ये झूठ नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर वी हैव रिसीव्ड देन व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। सो ड्रीम, हाँ उसने कभी सोचा है तो ड्रीम बहुत बड़ा अचीव हुआ है। वी आर हैप्पी एंड बीइंग ग्राउंडेड एज वेल, ही टेक हिज क्रिकेट मोर सीरियस नाउ, कि अब वो बहुत अच्छे से खेल पाएगा और उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी भी जैसे वो मैचेस खेलता था तो वो बिजनेस से छुप के जाता था, जैसे उसको अगर मैच खेलना है तो एक मैच का बताता था, एक का वो अपनी टीम को कह के जाता था कि चाचा को ये कहना, चाचा सपोर्ट करते हैं बट समटाइम्स बिजनेस पे बात आती है तो चाचा को ये कहना कि ये दूसरी साइड पे गया, तो वो फ्रेंड्स के साथ बात करके, कंसल्टेशन करके, तो वो जाता था। अपॉर्चुनिटीज क्या रीजन रहा कि इधर नहीं मिली? इंडिया ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया में इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री और क्रिकेट बहुत लविंग स्पोर्ट है, और दो इट्स नॉट अ नेशनल गेम बट एवरी वन प्लेस क्रिकेट हियर। जो क्वालिटी उस टाइम पे नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज कुड बी, हम पहले पिंजौर से थे तो हमें पंचकुला आना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो पंचकुला से खेलते हुए, यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, सो वो टैलेंट के, इस जो टैलेंट बहुत ज्यादा था उसके कारण वो आगे नहीं आ पाए। वहां पे लिमिटेड टैलेंट है तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की, तो वाकई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की। और पहले मैं आपको एक बैट दिखा दूं, और सचिन जी हैं जिनकी शॉप से उनके बल्ले जाते रहे हैं, और ये बैट है जो नॉकिंग के लिए आया था। सचिन जी, अब फाइनली आपसे, तो आप इतने टाइम से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं और अब ऐसे प्लेयर का आपके पास बैट है जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया जी। बहुत बहुत खुशी हुई जब इनका कॉल आया, तो हम एक फैमिली डिनर पे थे, ही वॉज वेरी इमोशनल जब इन्होंने ये न्यूज मेरे साथ शेयर करी, और मुझे भी बड़ा अच्छा फील हुआ कि हम एक ऐसे प्लेयर को इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक लेवल जिन्होंने अचीव किया है, जो भी बच्चा, जो बच्चा अभी यहाँ पे कोचिंग लेता है, हम जब भी कोई बैट या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स हम हमेशा देते हैं कि कल को अगर ये बच्चा इंडिया खेलता है या किसी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है कंट्री को या कंट्री का नाम होता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि वो बच्चा कल को ये कहेगा कि मैं उस शॉप से बैट लेता था या रैकेट लेता था। या सालों से आप यहाँ बैट दे रहे हैं? आप देखिए, इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं, और अगर मैं कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लूँ, मनन वोरा, अर्जुन आजाद, वो यहीं से हमारे से रेगुलर सामान परचेज करते हैं, और भी बहुत सारे रणजी प्लेयर्स हैं। के लिए कब से आप बैट दे रहे हैं? ऑलमोस्ट
टू टू थ्री इयर्स हो गए हैं जब से ये हमें विजिट कर रहे हैं। हाँ, इनके बैट हम रिपेयर भी करते हैं, नॉक भी करते हैं। एक बैट दिखा देते हैं, ये है साहिल का बैट, ये नॉकिंग के लिए है। ये बैट इन्होंने हमारे से ही लिया है और ये बैट इन्होंने अब हम ही इसको नॉक करके रेडी करके इनको भेजते हैं। ही इज वेरी चूजी अबाउट हिज बैट। दोनों भाई, अगर मैं ये कहूँ ना कि क्रिकेट के मामले में जो क्रिकेट प्लेयर है वो सनकी होता है बेसिकली। सनकी क्यों होता है? क्योंकि उनको जो बैट का वेट चाहिए, बैलेंस चाहिए, पंच चाहिए, वो मैटर करता है। और जब तक उसमें उनकी तसल्ली ना हो तब तक वो बैट नहीं लेते। सेम इनके साथ भी ऐसा ही है। अभी मैं इनको कुछ बैट्स दिखा रहा था तो मेरे ख्याल मैंने 50-60 बैट्स इनको दिखाए हैं, तो उसमें से इनको एक बैट जाके पसंद आया। तो आप समझ सकते हो कि कितने चूजी हैं या एक प्लेयर क्या क्या चीजें नोटिस करता है उसको। इस बैट में क्या अलग, क्योंकि एक होता है ना अपने तरफ से हैंडल अलग चाहिए, डिजाइन अलग होता है, एक हमें विड्थ, लेंथ, हाइट, ये सब कुछ प्लेयर की एक इसमें कैसा क्या खास? देखिए, सबसे पहले तो ये आईसीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैट है। अब इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में इन्होंने सेंचुरी मारी है तो वो जिस भी बैट से खेलेंगे वो आईसीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अगर मैं एजिस की बात करूं या हम ब्लेड की बात करें या लेंथ की बात करें, इन सब चीजों की बात करें, तो वो एज पर आईसीसी नॉर्म्स होना चाहिए। सो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। देन वेट बैलेंस देखा जाता है, देन बैक साइड से देखा जाता है उसमें कैसा मीट है, उसका फील, पंच कैसा है, हैंडल, कहीं लॉन्ग हैंडल से खेलना पसंद करते हैं, ये शॉर्ट हैंडल बैट है, राउंड हैंडल बैट है, कहीं ओवल से खेलना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फाइनली लास्ट सवाल, तो फाइनली अब जो रिकॉर्ड बना है, बैट भी आप अच्छे चूज करते हैं नेचुरली, तब भी स्कोर बनता है, अब क्या लगता है कि आगे क्या? आगे साहिल के कुछ इंटरनेशनल मैचेस हैं, अभी एस्टोनिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए जा रहा है, तो इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो उसका एक स्पेन का टूर है, और लकीली एज पर जो मेरी कल उससे बात हुई है तो शायद वो एस्टोनिया यूरोपियन टीम बनती है एक 16 प्लेयर्स की, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो उसके वो टूर्स भी आगे नेक्स्ट आ रहे हैं, तो इससे इनकी आई डोंट नो, बट अभी भी जो उसने जो हुआ है वो प्लान नहीं था। नेक्स्ट ही विल बी वेरी सीरियस अबाउट क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना, अच्छे से खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना, तो एक ड्रीम कम ट्रू होगा और वो उनका ड्रीम है, वो लॉन्ग टर्म ड्रीम है उनका। नेक्स्ट ड्रीम ही वाज सेइंग कि अगर उन्हें चांस मिलता है आईपीएल में तो ही इज वर्किंग हार्ड ऑन हिज फिटनेस, कि मैं बहुत अच्छे से अपनी फिटनेस पे और अच्छा वर्क करूंगा। और लेट्स सी, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, आपने फैमिली के बारे में बताया, तो हम बहुत बेसिक सिंपल फैमिली से आते हैं, हम दोनों भाइयों ने मिलके बहुत मेहनत की है, घर से ट्यूशन पढ़ाने से और छोटे छोटे कामों करने से, जैसे हमारी एक सीमेंट की शॉप थी पापा के बाद, तो दोनों ने ऑटो भी चलाया, सीमेंट भी फेंका है, और वो फिर उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हुई है, किस्मत लक क्लिक हुआ है जब से उसकी शादी हुई है, ही इज मैरिड इन संगरूर भवानीगढ़, तो वो लक फैक्टर आई बिलीव कि शायद उसके साथ है, और मेहनत तो है ही बिल्कुल।